सम्माननीय स्वामी बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है दूसरी बार यहाँ आने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से आज के अवसर पर समस्त देश के किसान भाइयों को मेरी यही शुभकामना होगी कि आप सबका पेट भरते रहे हैं। अब मोदी सरकार आपकी जेब भरे इस दिशा में काम कर रही है। देश को जब आज़ादी मिले तो गुलामी के दंश हम झेल रहे थे, विभाजन का दंश झेल रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी। देश आगे बढ़ा लेकिन आज़ादी का इतिहास देखेंगे तो 64 तक आगे देश बढ़ा, औद्योगिक क्रांति हुई लेकिन कृषि के क्षेत्र में कोई रिफॉर्म्स नहीं हुआ और हम भीख का कटोरा लेकर दुनिया के देशों में घूमते रहे। सौभाग्य से लाल बहादुर शास्त्री जी 65 में जय जवान जय किसान का नारा दिया, गांव को किसान को लगा कि अब हमारी बात हो रही है, लेकिन बहुत दिन हमारे बीच नहीं रहे। हरित क्रांति आई और हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने। अब हरित क्रांति के लाभ हुए लेकिन इनपुट कॉस्ट, असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग, 1980 में जब अकाल पड़ा तो उसके दुष्परिणाम प्रकट होने लगे और हिंदुस्तान के 85% छोटे किसान कर्जखोर बन गए। फिर भी इस दिशा में कोई रिफॉर्म्स हो, नया कुछ किया जाए, इसकी चिंता न के बराबर हुई। 2000 में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो 2000 से लेके 2004 के बीच में कई रिफॉर्म्स हुए। आज पाश्चात्य 9 वर्ष है और पाश्चात्य के देशों में मिट्टी को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में जो पैदा लिए हैं मिट्टी को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, इसे माँ मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 2-3 बातों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की कमेटी बनाई गई। एक तो जो उर्वरक है इसके लिए भी भारी किसानों को परेशानी होती थी। हम 89 में जब लोकसभा में आए थे तो पहला दिन अवसर मिला था तो हमने मांग की थी कि मेरे यहाँ यूरिया का रैक भेजिए। यूरिया की बड़ी किल्लत होती थी, लाठी खाते थे हम लोग दुकान पर, अश्रु गैस के गोले चलते थे बिहार में, मध्य प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूरिया जितना बनता था वो सारा फील्ड में आता नहीं था और यूरिया बनाने वाली फैक्ट्रियों को 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया दिया जाता है कि कम दाम पर किसान को मिले और समय पर मिले। लेकिन उस समय अटल जी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देखा कि भाई इतना पैसा हम दे रहे हैं और यूरिया के लिए किसान की तबाही है, तो एक कृषि वैज्ञानिकों की कमेटी बनाई जो क्या कारण है, क्या उपाय है। रिपोर्ट आई, मैं उस समय लोकसभा में था, कि यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री जिसको हम पैसा देते हैं वो 35% यूरिया केमिकल फैक्ट्री में और सिंथेटिक दूध के मिलावट में देता है, तो 65% ही आ पाता है और पैसा उसको दे रहे हैं किसान के लिए। फिर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और कहा कि इसके रोकने का उपाय यह है कि इसको नीम कोटेड कर दिया जाए तो मिलावट के काम में नहीं जाएगा, सीधे फील्ड में जाएगा और किसान को मिलेगा, दूध में नहीं मिलेगा। अब आश्चर्य होगा देश को,
कि 2004-05 के बीच फील्ड ट्रायल करके कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि मंत्रालय को दिया, लेकिन 2014 तक के फाइल में था, अलमारी की शोभा बढ़ा रहा था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 2 बरस के अंदर अब देश में जो यूरिया पैदा लेता है, एक दाना भी बनता है, वो नीम कोटेड आता है, और हिंदुस्तान में आज यूरिया की कहीं किल्लत, किसान का जेब भरे, इसके लिए उसका लागत कॉस्ट कम होना चाहिए। अब यूरिया नीम कोटेड होने से उसकी जो क्वालिटी है, पहले जो यूरिया था वो जल वर्षा जल के बहाव में उसकी क्वालिटी बह के चले जाते थे, अब नीम कोटेड के बाद वो जड़ों में रहता है पौधों, और 20% की कमी आ गई। फिर उसी समय चिंता हुई थी सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट। हम हिंदुस्तान में मानते हैं हमारी माँ है, और माँ बीमार है तो उसका बेटा किसान कभी संपन्न नहीं हो सकता, और हम किसान को पता नहीं है कि हमारे पास जो जोत है, जमीन है, उसमें उसकी कितनी भूख है, कितना भोजन देना। हम लोग तो अगर कोई ज़बरदस्ती मोह में 1 क्विंटल डालने की कोशिश करे तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा या बीमार पड़ जाएगा, लेकिन माँ के साथ यही हो रहा था। लेकिन इस संबंध में भी पूरे दुनिया में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी। हम लोग सरकार में आए तो देश में मात्र 15 लैब थे जहां मिट्टी की जांच हो सकती है, मात्र 15 लैब थे। आज देश में 1000 छोटे बड़े लैब हो गए जहां खेत की मिट्टी की जांच हो। देश में 12 करोड़ जोतदार हैं, और कल 31 दिसंबर था ना, 10 करोड़ किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड मिल चुका है, 10 करोड़ करोड़ों किसान अब इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जो अनुशंसा है वैज्ञानिक का, जो सॉयल हेल्थ कार्ड है, उसके मुताबिक हम उर्वरकों का प्रयोग करें, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, ताकि माँ स्वस्थ रहे। लेकिन ये योजना पूरे देश में तो हमने चला दी है, यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री को पैसा दे रहे हैं, यूरिया की खपत हो रहा है, लेकिन जैविक खेती, माँ स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ज़्यादा दिन जिंदा रहे, हमारा पालन पोषण करे, इसके लिए जैविक खेती। देश में संस्थागत रूप से भारत सरकार की कोई योजना नहीं थी, लोग करते थे अपने से, राज्य थोड़ी बहुत पहल करती थी, लेकिन मोदी सरकार आते जैविक खेती के विकास के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई। पहले वर्ष में 3.5 वर्ष हो रहे हैं, सभी राज्यों को पैसे जाते हैं, और 22.5 लाख हेक्टेयर में जैविक की खेती, जैविक खेती आज देश में हो रही है। ये 3 वर्षों का ये परिणाम है। हम जब कृषि मंत्री बने, संसद में पहला सवाल हमारे कौन पूछा, क्या पूछा, कि देश में 99 बड़ी बड़ी परियोजना सिंचाई की लंबित है, 20-25 वर्ष से आप कब पूरा करेंगे। और पूछने वाले वैसे लोग थे, वैसे परिवार के लोग थे जो 60 वर्ष देश में राज किए थे। अब मेरे लिए आश्चर्यजनक विषय था, हमने बताया उनको कि 99 परियोजनाएं 20-25 वर्ष से जो लंबित है, ये 80,000 करोड़ रुपये के कारण नहीं हो सका, 76 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती है, पैसा के कारण नहीं हो सका। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई, और उन 99 मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के लिए 40,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया था, बजट के प्रावधान के अलग। और हम कह सकते हैं कि 1 मार्च 2019 आती आती 99 बड़ी परियोजनाएं पूरी होगी, और दूसरे फेज में 240 और परियोजनाएं जो उसके बाद लंबित है वो भी शुरू होगा। यहाँ जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इटली तो छोटा सा देश है, इटली की आबादी मेरे जिला की आबादी बराबर है। हर हाथ को काम देना है तो हर खेत को पानी। देश में बिजली नहीं है, 18,000 एवेन्यू विलेज में,
खेती के लिए फीडर की बात तो छोड़ दीजिए, 18,000 रेवेन्यू विलेज मतलब लाखों गांव, एक रेवेन्यू विलेज में 8-10 गांव होते हैं। तो सौभाग्यशाली है नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हर रेवेन्यू विलेज में तो बिजली चली गई, लेकिन हर घर के बिजली के लिए अभी संपदा योजना देश में चली है, राज्यों को पैसा दिया गया है 16,000 करोड़ रुपया, मार्च 2019 तक हर घर को बिजली और 22 आते आते हर खेत को बिजली, हर खेत को। आज़ादी के 70 वर्ष गुजर गए, करोड़ों सर देश में ऐसे हैं जिसको छत नहीं है, खेत को पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, सड़क नहीं है। इस दिशा में सरकार ने काम तेज किया है, गांव मजबूत हो, गरीब मजबूत हो, किसान मजबूत हो, ये चिंता प्रतिबद्धता के साथ हो रही है। और इसलिए हो रही है कि एक गरीब का बेटा जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, जो अपने जीवन के बहुत सारे समय चाय की दुकान से रेलवे के प्लेटफार्म तक, गांव की गली से खेत के मेड़ तक बिताया है, और इसीलिए पिछले 2-3 वर्षों के अंदर गांव मजबूत हो, गरीब मजबूत हो, किसान मजबूत हो, इसको मजबूत बनाने के लिए जितना कुछ किया जा सकता है, निवेश और काम शुरू किया है, और धन की यदि कमी है तो उसकी भी व्यवस्था हो रही है। धन की भी कमी थी, 125 करोड़ का देश, 24 लाख लोग 10 लाख से ज़्यादा का रिटर्न भरते थे बिना टैक्स के। हम मांग करते हैं, भाषण करते हैं कि अच्छी सड़क हो, बिजली मिले, स्कूल हो, अस्पताल हो अच्छा, आज टैक्स देते नहीं है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रतिदिन हवाई जहाज में घूमते हैं और 24 लाख लोग ही 10 लाख से ज़्यादा का रिटर्न भरते थे। लाखों लोग 20 लाख से ज़्यादा का गाड़ी रखे हुए हैं और 24 लाख लोग ही 10 लाख से ज़्यादा का रिटर्न भरते। कोई जिला ऐसा नहीं है देश में जहाँ 200 लोगों का मकान 10 लाख 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा का ना हो, लिंक टैक्स मात्र 24 लाख लोग 10 लाख से ज़्यादा का रिटर्न भरने का काम। अब GST 75% नोट बैंक से बाहर बेनामी कारोबार में घूम रहा है, पलंग के नीचे है, अलमीरा में, अब सारे बैंक में आ गए। गांव में गरीब का घर बनता है 72,000 रुपये मिलते थे, अब 1.5 लाख रुपया मिल रहे, अब लोग टैक्स देने की ओर बढ़ रहे हैं। देश में ईमानदार लोग हैं, लेकिन चोटी पर बैठा व्यक्ति भी यदि दिन भर बात करे देश का और रात में काम करे अपने वंश के लिए, तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम देश ने भोगा है। 70 वर्ष की आज़ादी में ये 3 वर्ष का जो कालखंड है, ये बहुत बड़ा कालखंड नहीं है। 3 वर्ष के जीवन में हम कोई बड़ा कर्तव्य नहीं दिखा पाते, लेकिन मोदी सरकार ने 3 वर्ष के अंदर बहुत सारे कर्तव्य दिखाए हैं। यदि किसी को नहीं दिखाई देता है तो इतना तो मान ले कि बच्चा जब पालने में होता है कोई कर्तव्य दिखाए या ना दिखाए, लेकिन उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो ये 3 वर्ष में सारे लक्षण हमारे प्रकट हुए। अब अभी बालकृष्ण जी चर्चा कर रहे थे एक गाय की, आज से 15-20 वर्ष पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नहीं, दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो संकर और विदेशी नस्ल की गायें हैं उनकी प्रजनन क्षमता समाप्त होगी, तरह तरह की बीमारियां होगी, और एक समय आएगा जब हिमालय के खोह में ही ये मिलेगा जनरल, ये संकर और विदेशी नस्ल की गायें समाप्त हो जाएगी। ये वैज्ञानिकों का शोध था, और उन्हीं वैज्ञानिकों ने भी माना कि हिंदुस्तान की जो देसी नस्ल की गायें हैं इनके अंदर प्रतिरोधात्मक ताकत ज़्यादा है, इन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो हमारी देसी नस्ल की गाय 15-20 दुनिया के देश ले गए, नस्ल सुधार किया, ब्राजील तो पहले ही ले गया था, और अपने यहाँ जो भी खर्चे होते थे 99 रुपया उस पर और 1 रुपया देसी नस्ल पर, 1200 करोड़ रुपये का बजट था, हमने आया था तो देखा था, हमने तुरंत राष्ट्रीय गोशकुल मिशन चलाया और उसमें 600 करोड़ रुपया अलग किया।
हम संकर और विदेशी नस्ल पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देशी नस्ल सुधार के लिए जो काम हुए हैं उसके परिणाम अब प्रकट हो रहे हैं। अब देश में 80% देशी नस्ल की गाय 20% दूध देती है और 20% विदेशी नस्ल की गाय 80% दूध देती है। और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये समाप्त होने वाला है। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने क्या काम किया, किस खटिया पर सोए रहे, मुझे पता नहीं। इतना दिन तक जो सरकार चल रही थी, लेकिन मैं उस सरकार का भी कसूर नहीं मानता कि उस समय जो प्रधानमंत्री होते थे, बाकी मंत्री होते थे, वो बहुत कुछ कर नहीं पाते थे। पर्ची आता था और वही काम करना पड़ता था, और पर्ची भेजने वाले को जौ और गेहूं के बाली में अंतर समझ में नहीं आता था, तो गाय के विषय में क्या समझ। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन देश में शुरू हुआ है और राष्ट्रीय बोमाइन उत्पादकता मिशन शुरू किया है। और आचार्य जी आपको आश्चर्य होगा, हमने एक पशुधन ई पोर्टल शुरू किया और उस पोर्टल पर हर राज्य में जो हमारे सीमेन बैंक्स हैं, राज्यों को 2-3 साल के अंदर हमने काफ़ी पैसा दिया है, तो 4.5 करोड़ सीमेन डोजेज देसी नस्लों के बिक्री हुई। पहले जो किसान ज़्यादा संकर विदेशी नस्ल के सीमेन डोजेज खरीदते थे, अब बड़ी तेजी से देसी नस्ल के ई पशुधन हाट पर पता करके वो खरीद रहे हैं। ई पशुधन हाट पर देसी नस्ल के कौन से वैरायटी का कौन गाय किस किसान के पास है वो भी उस पर है, ताकि देश में कहाँ कहाँ घूमेगा उसको पता चल जाएगा ये कहाँ है। तो ई पशुधन पोर्टल शुरू किया है और ये जो बछड़े का मामला है हमने ग्लोबल टेंडर किया है, 2 देश के पास टेक्नोलॉजी है और कई संस्थाओं को भी रिसर्च के लिए पैसा दिया था, लेकिन ग्लोबल टेंडर किया है कि वास्तव में बहुत बड़ा संकट है कि बछड़ा जब पैदा लेता है, और आजकल टेक्नोलॉजी में पहले खेती में काम में जो हम लाते थे अब वो ला नहीं रहे हैं, तो बछड़ी पैदा हो ये टेक्नोलॉजी देश में दुनिया में आई है, हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा आज यहाँ आने का मतलब बहुत साफ था कि किसान हम सबका पेट भरे, ये योजना तो देश में चली, हम सफल भी हुए, लेकिन उसका पेट भरे, उसका जेब भरे, इस पर ध्यान नहीं था। पतंजलि ने काम शुरू किया, क्योंकि जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक किसान को अच्छा कीमत नहीं मिलेगा, और इस दिशा में पतंजलि ने जो काम किया है निश्चित रूप से वो सराहनीय है। और मैं नागपुर में भी गया था और जहाँ भी जाता हूँ और जहाँ भी लोगों को लगता है कि अब पतंजलि यहाँ आ रहा है, वहाँ के किसान में काफ़ी खुशी आती है, खुशी होती है कि चलो भाई अब हमारे सामान का अच्छा दाम मिलेगा। अब अपने देश में शुरू में कोल्ड स्टोरेज बनाने की कल्पना रही, मोदी सरकार आने के बाद हमने कोल्ड चेन शुरू किया, पैक हाउस बनाने का भी काम शुरू किया, और आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सरकार की गति भी थी लेकिन बहुत तेज गति नहीं थी, लेकिन 3 महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाई, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, लेकिन अब फूड प्रोसेसिंग चेन देश में बने। और ये बात सही है कि आज देश में जो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है उसमें बहुत बड़ी भागीदारी पतंजलि की है। अब गांव में, गली में, गलियारे में भी पतंजलि के फूड प्रोसेसिंग के फूड प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो चलाई है उसमें भी फूड प्रोसेसिंग चेन हम इंटरप्रेन्योर्स का आह्वान किए देश भर के, कि इस प्रकार से, इसी प्रकार से डेयरी प्रोडक्ट में भी आप इतिहास देखेंगे कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड देश में चला था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे, लेकिन 1986 में वो समाप्त हो गया। अब वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में होंगे कल्पना करिए। फिर 2011 में डेयरी डेवलपमेंट प्लान बना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, डेयरी प्रोडक्ट्स शुरू हुए, प्रोसेसिंग प्लांट आए, लेकिन वो 1970 से बना हुआ किस हालत में है उसको ठीक करना, या 2011 में भी जो बना
उसका भी पुनर्निर्माण हो, उसकी भी क्षमता बढ़े और नया बने, इस दिशा में हमारे कदम बढ़ने की गति बहुत धीमित है। अभी भारत सरकार ने डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है 10,888 करोड़ का, और मैं समझता हूँ कि आज हम एक नंबर के उत्पादक देश दूध के हैं, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्ट है उसमें तो हम पीछे हैं। पतंजलि भी इस दिशा में आगे आ रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है, और भारत सरकार ने इस प्रकार का एक फंड बनाया है, और तब किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा। कुल मिला जुला कर ये जो खेती है पेट भरने वाला, वो अब उनका जेब भरने वाला बने, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी आह्वान किया है कि अब सिर्फ अनाज की खेती नहीं, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फिशरी, डेयरी, और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में हरित क्रांति तो आई, श्वेत क्रांति आई, सरकार बनते नीली क्रांति देश में शुरू हुई, मछली की खेती आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, और ब्लू रिवोल्यूशन के तहत इनलैंड फिशरी, मैरीन फिशरी सबको एक छतरी के अंदर लाया है, और अब चौथी क्रांति का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, जिसकी आप चर्चा की, वो है स्वीट क्रांति, मीठी क्रांति, मधु क्रांति, शहद की क्रांति। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने माना है कि यदि कहीं आप मधुमक्खी पालते हैं तो उत्पादकता बढ़ जाती है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। तो इस दिशा में हमारी सरकार बहुत रुचि नहीं ले रही थी, लेकिन पिछले 3 वर्ष के अंदर हमने 8 राज्यों में मधुमक्खी डेवलपमेंट सेंटर बनाया है, और अभी एक कैबिनेट नोट हमने तैयार किया है कि जिस प्रकार से डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट है, गांव-गांव में किसान से दूध कलेक्शन करता है, प्रोसेसिंग प्लांट पर लाता है, प्रोसेस करके फिर मार्केट में देता है, हमने कैबिनेट नोट बनाया है कि देश के 100 जिले में उसी तरह से जैसे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, हम मधु प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, और उसके माध्यम से भी किसानों को, यानी किसान की जेब भरे, फूड प्रोसेसिंग से लेकर जो एलाइड सेक्टर की गतिविधियां हैं उसको तेज करना, लेकिन वैल्यू एडिशन ही मुख्य रूप से किसानों की पेट भरने में बड़ी भूमिका निभा, जेब भरने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, और पतंजलि इस दिशा में अग्रगणी सबसे ज़्यादा काम कर रही है, और इसलिए इसमें इस काम में लगे हुए सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि देश के किसानों की उन्नति में आपकी बड़ी सहभागिता है, और आज के दिन मेरी यही शुभकामना है कि पतंजलि की गतिविधियां देश में तेजी से बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत आभारी हूं कि मेरा तो था कि ऐसे हम चल के कुछ देखेंगे, लेकिन मैं आभारी हूं, और बहुत ज़्यादा इसलिए आभारी हूं कि आप यदि ये कार्यक्रम न आयोजित करते तो इतने सारे ऐसे लोगों के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।